हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम लोगों की चर्चा चल रही थी यूनिट 6 के टॉपिक्स को लेकर के, और इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मध्य प्रदेश की सतत विकास लक्ष्यों में क्या प्रगति रही अब तक की। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी यूनिट का, उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। सिलेबस में देख लेते हैं। देखिए, सिलेबस में ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक जगह लिखा हुआ है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो आज की जो चर्चा हम लोगों की है वो इसी टॉपिक पे होने वाली है। इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 2020 में इसकी शुरुआत होती है, जब कोरोना संकट पूरी दुनिया पे छाया हुआ था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा। और हमारे यहाँ भी जब लॉकडाउन लग गया तो ये महसूस किया गया कि आज की जो इकोनॉमी है, आज की जो दुनिया है, अर्थव्यवस्था है, वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सब कुछ ना कुछ बाहर से आयात करते हैं, और लॉकडाउन के टाइम पे आवाजाही कम्प्लीटली बैन थी, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा था, सभी तरह की फ़्लाइट्स रोक दी गई थी। तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि अब एक ही रास्ता बचा हुआ है और वो है आत्मनिर्भर भारत का, यानी हमें अपनी ज़रूरतों को खुद ही पूरा करना होगा। तो वहाँ से कंसेप्ट निकल कर के आया आत्मनिर्भर भारत का, और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर राज्यों ने भी अपने अपने लिए रोड मैप तैयार किए। उसी संदर्भ में मध्य प्रदेश ने भी एक्सपर्ट्स की राय लेकर के नवंबर 2020 में ही एक डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसको कहा गया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023। यही सरकारी डॉक्यूमेंट जो है मध्य प्रदेश की आत्मनिर्भर योजना के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो उसी से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे, क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे, 3 साल के टारगेट्स रखे गए थे, किस तरह से इन एरियाज को विषयों के रूप में बांट दिया गया। अब देखेंगे हम लोग अभी आगे कि जितनी भी डेवलपमेंट प्रोसेस थी उसको समूहों के अंतर्गत बांटा गया, विषयों के अंतर्गत बांटा गया, फिर उसमें उप समूह बनाए गए। तो चलिए देखते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विषय। 4 विषयों में पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, या कहना चाहिए जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, उसकी जो ज़रूरतें, उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिनको सब्जेक्ट कहा गया है इस डॉक्यूमेंट में। एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया था आत्मन, आत्मन अंडरस्कोर MP @2023। इसके बारे में भी क्वेश्चंस हैं तो डिस्कस करेंगे, तो डिटेल नहीं बताऊंगा। इसके अंतर्गत 4 विषय निर्धारित किए गए, कौन कौन से, भौतिक अधोसंरचना यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा इट मींस हेल्थ एंड एजुकेशन, और 4th अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी ये महसूस किया गया कि अगर आत्मनिर्भर बनना है मध्य प्रदेश को तो इन 4 क्षेत्रों में हमें काम करने की ज़रूरत है। कौन कौन से, पहला भौतिक अधोसंरचना यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, सुशासन गुड गवर्नेंस लाना होगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बेहतर करना होगा, और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के ऊपर ध्यान देना होगा। इन सभी 4 विषयों के अंतर्गत समूह बनाया गया, जिनको उप समूह कहा गया, कि कौन कौन से जो क्षेत्र होंगे इनके अंतर्गत उन्हें, उन पर हमें फोकस करना है। तो इंडिविजुअली उनको देख लेते हैं। जैसे भौतिक अधोसंरचना की अगर हम लोग बात करें तो भौतिक अधोसंरचना के विषय के अंतर्गत उप समूह, 6 उप समूह रखे गए, यानी ये 6 एरियाज रखे गए जिन पर काम किए जाने की ज़रूरत थी, इनके लक्ष्य निर्धारित किए गए। पहला था सड़क अधोसंरचना, जिसको हम लोग कहेंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड
इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़क का निर्माण। हम लोग सतत विकास लक्ष्यों के समय पढ़ चुके हैं कि 410,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है मध्य प्रदेश में 2021 और 22 में। यात्रा एवं पर्यटन को डेवलप करना, ट्रैवल एंड टूरिज्म, नगरीय विकास एवं आवास, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, जल वाटर, ऊर्जा एनर्जी, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भौतिक अधोसंरचना समूह के विषय के अंतर्गत कौन से उपसमूह शामिल किए गए हैं या कौन सा उपसमूह शामिल नहीं है। तो जब तक ये याद नहीं होगा आप इसका आंसर नहीं कर सकते, तो याद होना चाहिए। देखिए, अधोसंरचना से संबंधित हम जानते हैं कि जो बेसिक नीड्स होती हैं जैसे कि सड़क, एनर्जी, वाटर, तो ये आप यहाँ से भी याद रखिए, सड़क, एनर्जी, वाटर, एनर्जी। सड़क है तो परिवहन और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना होगा, और एक यात्रा एवं पर्यटन है टूरिज़्म को, यहाँ से भी इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये छः चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे कौन सा इस विषय में शामिल है या नहीं है। कुछ MCQs भी हैं, वो लास्ट में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। सेकेंड सब्जेक्ट है सुशासन, यानी कि गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। इसके अंतर्गत अगेन चार उपसमूह बनाए गए हैं कि हमें क्या क्या बेहतर करना है। एक तो लोक सेवाओं का प्रदाय यानी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज बेहतर करनी है, किस माध्यम से, ई गवर्नेंस लाया गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग किया जाएगा, यानी जो नई नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको उपयोग में लाएंगे। जैसे कभी ई गवर्नेंस से भी आगे हम लोग मोबाइल गवर्नेंस पे चले गए, सारी सुविधाएं मोबाइल पे मिलने लग गई हैं। फिर पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जवाबदेही, सार्वजनिक भागीदारी को प्रमोट किया जाएगा, सरकारी खरीद को आसान बनाया जाएगा, विनियमों का अद्यतन, या अद्यतन से मतलब अपडेशन, जो रेगुलेशंस हैं उनको अपडेट किया जाएगा, उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा, एक्ट्स और जो रूल्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं उनको भी बेहतर किया जाएगा। और फोर्थ जो ग्रुप रखा गया, सब ग्रुप है, वो है शिकायत निवारण एवं मानव संसाधन, इसको मजबूत किया जाएगा। तो ये भी चार जो उपसमूह हैं किसके, सुशासन के, ये आपको याद होने चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं है इसके अंतर्गत। फिर जो तीसरा विषय है स्वास्थ्य एवं शिक्षा, इसके अंतर्गत भी चार उपसमूह बनाए गए हैं। कौन कौन से, पहला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा यानी कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। सेकंड तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। थर्ड है हायर एजुकेशन, और फोर्थ है स्कूल एजुकेशन। ये भी याद रखनी है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अंतर्गत इन चार उपसमूहों पर ध्यान दिया गया है। और जो फोर्थ सब्जेक्ट है दैट इज अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत पहला जो उपसमूह है वो है कृषि एवं संबंधित सेक्टर्स यानी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, उद्योग एवं कौशल,
इंडस्ट्री एंड स्किल, थर्ड है प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस एंड फोर्थ इज व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये चार विषय और उनके उपसमूह हो गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस की संख्या कम है सिर्फ ये बताने के लिए आपको कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। अगर आप ये पूरा डिटेल में चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया आपको शुरू में atmanmp@2023 उसको डिटेल में पढ़ें और समझें। समझना थोड़ा मुश्किल है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अब शुरुआत चूँकि हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत से की है, भले सिलेबस में लिखा गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो योजना है, जो अभियान है, ये भी आत्मनिर्भर भारत का ही भाग है या अंग है, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न लिया गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयोग मध्य प्रदेश में या अन्य PCS में डेट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो वो पढ़ना है और याद रखना है। 5 अप्रैल 2020, 11 मई 2020, 13 अप्रैल 2020, इसका सही आंसर है 12 मई 2020। आत्मन एमपी डॉक्यूमेंट में यही डेट लिखी गई है, हो सकता है किताब में कहीं और आपको मिले, लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मध्य प्रदेश सरकार का उसमें यही लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2020 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप किसने जारी किया। यानी देखिए, मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की जाती है और उसके ठीक बाद विचार विमर्श और एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश डॉक्यूमेंट लॉन्च किया जाता है। तो यह प्रश्न पूछा गया, ये रोड मैप किसने जारी किया, किसने लॉन्च किया था। ऑप्शन दिए गए श्री कमलनाथ, देखिए उस टाइम पे कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, किसी भी पद पे नहीं थे। श्री नरेंद्र मोदी PM थे, श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री मंगू भाई पटेल। तो सही आंसर है श्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उस समय ये मध्य प्रदेश के CM या चीफ मिनिस्टर थे। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी। याद होगा आप लोगों को, प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पे एक बड़े पैकेज की घोषणा की थी, वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ही था, और मुझे याद है कि आप लोगों को याद होगा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था। तो ये डेटा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, देखिए आत्मन एमपी 823 दस्तावेज या डॉक्यूमेंट का संबंध किससे है। ऑप्शंस हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, रोडमैप, मेक इन इंडिया, सतत विकास। सही आंसर है आत्मनिर्भर भारत मध्य प्रदेश रोडमैप, यानी कि 2023 तक के लिए ये लक्ष्य रखे गए थे, इसलिए इसका नाम रखा गया आत्मन @MP823। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 में कितने विषयों को शामिल किया गया है। शुरू में हम लोगों ने जिक्र किया था चार विषयों को, कितने, चार विषयों को, सबसे पहली स्लाइड में यही था। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में भौतिक अधोसंरचना विषय में कितने उपसमूह शामिल हैं, तो 6 हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी जब हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले अभी भौतिक अधोसंरचना के बारे में, तो डिस्कस किया था कि उसमें 6 विषय हैं। कौन कौन से, रिवीजन के लिए आपको बता देता हूँ, सड़क अधोसंरचना, यात्रा एवं पर्यटन,
जल, ऊर्जा, नगरीय विकास, एवं आवास। ठीक, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। एक और है, देख लेते हैं क्या था। देखिए, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, तो छठा कौन सा था? परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स। छठा है परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स। तो ये 6 उपसमूह हैं भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में से निम्न में से कौन सा उपसमूह अर्थव्यवस्था एवं रोजगार विषय में शामिल नहीं है? ध्यान देखिए, चौथा विषय क्या था? अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। तो इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, ये हम लोगों ने अभी लिखा, इसीलिए मैंने इसको आपको वापस स्लाइड दिखाई और वापस से लिखा। किसका पार्ट है ये? ये पार्ट है भौतिक अधोसंरचना का। और ये जो तीनों के तीनों हैं, ये अर्थव्यवस्था एवं रोजगार विषय के हैं। ये तीनों अर्थव्यवस्था एवं रोजगार विषय के उपसमूह हैं। कौन कौन से? कृषि एवं संबंधित सेक्टर्स, प्राकृतिक संसाधन और व्यापार एवं वाणिज्य। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भाग है भौतिक अधोसंरचना का और प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन सा उपसमूह अर्थव्यवस्था एवं रोजगार विषय में शामिल नहीं है। तो परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स जो है, ये रोजगार एवं अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है, बल्कि ये किसमें शामिल है? ये शामिल है भौतिक अधोसंरचना के विषय में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में स्वास्थ्य एवं शिक्षा विषय में कितने उपसमूह हैं? तो इसमें 4 उपसमूह हैं, याद रखिएगा। सबसे शुरू में लिखा गया है, बफर में सफर मुहिम या मिशन का क्या उद्देश्य है? तो अगर आप डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में जाके, तो इसका एक ऑप्शन दिए गए हैं, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, हिल स्टेशन विकसित करना, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना, मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना। बफर में सफर मुहिम का उद्देश्य है मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 के अंतर्गत कितने शहरों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्र विकसित किया जाएगा या किया गया है? तो याद रखिए, ऑप्शन है आपके 4, 5, 6, 7। सही आंसर इसका है 7। इसका सही आंसर है 7। सबसे पहले किया गया था भोपाल एवं जबलपुर, फिर आया इंदौर, फिर इसके साथ ही में ग्वालियर, सतना, सागर एवं उज्जैन। इन 7 शहरों में इनक्यूबेशन स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। इनक्यूबेशन सेंटर्स जो होते हैं, ये ऐसे संस्थान होते हैं जो स्टार्टअप को टेक्निकल एडवाइस करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको लैब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत सारा पैसा खर्च नहीं कर सकते अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टेक्निकल सपोर्ट जो है, वो इनक्यूबेशन सेंटर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। शुरू में ये सब बड़े बड़े महानगरों में रखे गए थे, लेकिन बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी इनको अपने इन 7 शहरों में प्रमोट किया है, इनको इस्टेब्लिश किया है, ताकि स्टार्टअप को प्रमोट किया जा सके। तो ये प्रश्न, इसमें अलग से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से
किस शहर में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित है, तो आपके ये इनमें से कोई भी अगर है तो वो आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 7 है इनकी संख्या, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सतना, सागर और उज्जैन, और इसको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के अंतर्गत ही एस्टैब्लिश किया गया। मध्य प्रदेश के किस शहर को वाटर प्लस शहर का दर्जा दिया गया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर प्लस स्टेटस। ऑप्शंस दिए गए हैं भोपाल, सागर, इंदौर और उज्जैन। सही आंसर है इंदौर, 2021 में ये उसे प्रदान किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, नगरीय विकास मंत्रालय के द्वारा। वाटर प्लस शहर ऐसे शहर होते हैं जो नदियों एवं नालों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित एवं संरक्षित। देश का पहला शहर है इंदौर, जिसको ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न में अगर आ जाता है देश का पहला शहर तो भी इसका आंसर इंदौर ही है। इंदौर देश का पहला शहर है जिसको वाटर प्लस स्टेटस दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर नदियों एवं नालों को सुरक्षित किया गया, उनके जो गंदा अपशिष्ट पदार्थ है उनको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है, उपचारित किया जाता है, फिर उनको बाहर छोड़ा जाता है, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। और ये वाटर प्लस स्टेटस किसको मिलता है ये भी ध्यान रखिएगा, जिस सिटी के पास ODF प्लस स्टेटस होता है, ODF प्लस प्लस है ना, उसको दिया जाता है। ODF के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, खुले में शौच से मुक्ति, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य में कितनी जनसंख्या वाले शहरों में जन निजी भागीदारी से ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और ई बसों के संचालन की योजना है, ये भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस योजना को शामिल किया गया है। और इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, 1 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में, 7 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक। इसका सही आंसर है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जन भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी, और वहाँ पे ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे और ई बसों का संचालन किया जाएगा, जैसे कि इंदौर में किया जा रहा है। सही आंसर है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 में कितनी जनसंख्या वाले शहरों के लिए GIS आधारित विकास योजनाओं का प्रावधान है। GIS आप लोग अच्छे से जानते हैं, सिलेबस में है, जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम। 1 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 7 लाख से अधिक और 10 लाख से अधिक। इसका सही जवाब है 1 लाख से अधिक। कितने समय में मिलने वाली सुविधा यदि निर्धारित समय में नहीं मिलती है तो वह आम जन को अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, ये सुशासन के अंतर्गत निर्णय लिया गया था, सेकंड जो सब्जेक्ट है गुड गवर्नेंस का, उसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था कि यदि कोई सुविधा, सरकारी सुविधा फैसिलिटी अगर 7 दिनों तक में उसकी अवधि रखी गई कि 7 दिन में उसे मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं दी जाती है तो अपने आप ये मान लिया जाएगा कि वो उसे उपलब्ध हो गई है पब्लिक के लिए। तो इसका सही आंसर है 7 डेज। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 के अंतर्गत सुशासन हेतु बेहतर पारदर्शिता का दायित्व तो किस विभाग का है, ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। सुशासन गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। पहला है गृह विभाग, दूसरा नगरीय प्रशासन, तीसरा सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय। इसका सही आंसर है सामान्य प्रशासन विभाग, GAD, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। पारदर्शिता को बढ़ावा देना क्योंकि जो जिम्मेदारी दी गई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो GAD की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मन MP 823 में एक क्या संदर्भित करता है, एक क्या डिनोट करता है बेसिकली। तो ये देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो मध्य प्रदेश का आत्मनिर्भर रोड मैप है, उस डॉक्यूमेंट को आत्मन MP 823 नाम दिया गया है। इसका मीनिंग है, A स्टैंड्स फॉर एस्पिरेशन,
एस्पिरेशंस का मतलब होता है आकांक्षा, जो हम पाना चाहते हैं, अपेक्षा। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। एम स्टैंड्स फॉर मिशन, यानी अभियान। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, कार्य, कार्यवाही। और कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर नीति। एमपी मध्य प्रदेश है। पूछा गया है ए क्या डिनोट करता है, तो ए जो है यहाँ पे ध्यान रखिए क्या लिखा गया, कैपिटल ए लिखा गया, देखिए ये भी स्मॉल ए नहीं, तो कैपिटल ए क्या कर रहा है, एस्पिरेशन या एस्पिरेशन, ये सही आंसर है। एक्शन नहीं, एंटिसिपेशन नहीं, आत्मनिर्भर नहीं, यहाँ ए का मतलब है एस्पिरेशन। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, आप यहाँ से ए से आत्मनिर्भर भी मिल जाएगा आपको, एक्शन भी मिल जाएगा, एक्शन जो है स्मॉल ए का मतलब है। फिर अगेन इसी से रिलेटेड प्रश्न है, आत्मन एमपीए 23 में ए क्या संदर्भित करता है, आई थिंक रिपीटिशन है, दिस वन इज, ये रिपीटिशन है, तो सेम वही एस्पिरेशन। एन क्या संदर्भित करता है, अगला प्रश्न, कैपिटल एन यानी कि ये वाला, हम लोगों ने अभी देखा नीति, सही आंसर है नीति। आत्मन एट एमपी 23 के अंतर्गत नागरिकों को अपनी पात्रता जानने के लिए, यानी किसी योजना की पात्रता जानने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का दायित्व किस विभाग का है, तो इसका सही आंसर जो है, इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, गृह विभाग और समस्त विभाग। इसका सही आंसर है समस्त विभाग, यानी सभी विभागों को ये जानकारी दी गई है कि जो भी योजनाएं या अभियान वो चलाएंगे तो नागरिकों को उनकी पात्रता जानने के लिए वो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपसमूह अर्थव्यवस्था एवं रोजगार विषय में शामिल नहीं है, अगेन उसी तरह का प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग एवं कौशल, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल, ऊर्जा। इसमें पूछा गया अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको याद होगा ऊर्जा किसमें शामिल है, ऊर्जा जो शामिल है वो है भौतिक अधोसंरचना का पार्ट है, इसका भौतिक अधोसंरचना, यानी पहले विषय में। बाकी तीनों के तीनों जो हैं, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग एवं कौशल, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल, ये अर्थव्यवस्था एवं रोजगार विषय के उपसमूह है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा ये शामिल नहीं है इसमें। तो इस तरह से इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है और इस तरह के प्रश्नों को तैयार करना है। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा, तो अगले दिन आप उसको बिना देखे हुए ट्राई करिए कि आपसे कितने प्रश्न सही बन रहे हैं। इससे ये होगा कि आपको चीज़ें याद रहती हैं या नहीं रहती हैं, रिटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसका पता चलेगा कि आपको दोबारा कितना रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।